हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सुबह का टाइम हो गया है और मैं यहाँ पे लगान लग गई हूँ। पोचा सोमवार का दिन हो चुका है और झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाना धोना करूँगी, क्योंकि भी रात के टाइम मान दिया जाती है तो उसके बाद पूरे घर में इतना किरकिर किरकिर इतनी डस्ट धूल मिट्टी हो जा है कि फिर तो भाई झाड़ू पोछा किए बगैर बिल्कुल मन नहीं लगता, तो पहले यही करना पड़ा है। अब जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक तो ये उड़ती रहेगी धूल, इतनी ज़्यादा वो आ जावे। यहाँ चौक में खुला है ऊपर तक तो बहुत सारा वो रिफिस आती रहे है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया, इसके बाद नहा धो के और फिर करूँगी जोत बत्ती। दक्ष स्कूल में चला जाता है तो वो जावे तो उस टाइम पे आटा भी लगा कर रख देती हूँ, और भी सब्जी तो भी रेडी भी करनी पड़े हैं, तो वो काम तो मेरा हो जाता है पहले ही, फिर बाद के ये जो काम रहते हैं और ये वीडियो बनाते टाइम काम कर रहना, तो फिर ये मान लो आधे घंटे का काम 1 घंटे में जाकर निपटा है, बहुत सारी मेहनत लग जावे है। ये नहीं है कि भी बस फ़ोन उठाया और बना दिया और हो गया, ऐसे नहीं होता। बार बार में काम के बीच में अगर कुछ जिस तरह एक बच्चे को संभालना पड़े ना, बीच बीच में अगर छोटा बच्चा है उसको उसको देखना पड़ा है तो काम बीच में रुक जावा है, वो स्पीड जो उसकी बना है काम की वो वहीं पर रुक जावा है। तो कुछ इसी तरह का हो जाए भी वीडियो बनाते टाइम भी, अगर कोई दूसरा इंसान हो ना मदद करने वाला कि भाई कोई क्लिप निकाल दे है या फिर वो कर रहा है तो थोड़ा सा हो जावा है, वरना भाई अकेले अकेले का तो भी इस तरह तो ही बन पावा है, क्या करूँ। इतने घर में सदस्य भी नहीं हैं और हैं तो फिर भी अपने काम में लग जावे हैं, और भाई सबको इंटरेस्ट नहीं होता, तो भी मैं अपने आप पे खुद ही लगी रहूं हूँ इसमें, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि भी वीडियो ने लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगर दक्ष तो बोलेंगे तो वो तो भाई कहीं पर भी सेट कर देगा कैमरे को, उसको इतना पता नहीं इसी का, तो थोड़ा बहुत कर भी लिया करती। और इसके पापा है वो भी अपना ऑफिस में चले जावे हैं और उन तभी ना होने वाला, और वो मेरी, अब मैं ये झूठ बोल लूँ कि वो मेरी ये मदद करा, वो नहीं करते भाई थोड़ी सी भी मदद ना, उनको ये वीडियो बनाना वगैरह ये कुछ आता है, और ना मैं बोल भी दूँ तो उन तक नहीं हो पाती, दक्ष भी उन तक अच्छी कर ले रहे हैं। तो बस हाँ यही है कि मैं अपनी खुद की बनाऊँ हूँ तो वो बना लेती हूँ, जैसी भी जिस तरह की भी मेरे तो बन पाव है। अब बस पूजा कर ली है और उसके बाद चली गई भी सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए, फिर यहाँ पर आकर मैंने बनाई रोटी, अपने लिए चाय बनाई थी, उसके बाद मैं फिर मैंने बनाई पापा के लिए रोटी, तो अब उनकी रोटी डालकर दे दूँगी। और आज की वीडियो में पूरी वीडियो में वॉइस ओवर है, क्योंकि भी पास में जनरेटर वगैरह चल रहे थे और मेरी आवाज़ फिर बहुत ज़्यादा कम आ रही थी, स्लो स्लो वो सुनाई नहीं दे रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो भी वॉइस ओवर कर देते हैं आज के व्लॉग को, अच्छे से सुन जावेगी। और बस अब मैंने अपनी रोटी बनानी है और दक्ष की बना कर रख दूँगी स्कूल में आने के बाद, तो भाई उसको तो कुछ अलग अलग डिश चाहिए है, पर वो आते ही मांग का या तो उसको शेक दो, शेक बना कर दो या फिर बोलेगा नींबू पानी बना कर दो, या खाने में तो रोटी तो भाई बाद में ही लेगा, पहले उसको कुछ ठंडा ठंडा चाहिए, और उसके बाद क्योंकि भाई धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही, गर्मी भी हो रही, बच्चे को चाहिए आते ही कुछ बाहर का भी चाहिए, अब चटपटा भी चाहिए, टेस्टी भी चाहिए, भी रोटी रोटी नहीं खाएंगे, ये फरमाइश रहा है बच्चे की। तो ये खाना बनाने के बाद अब मैं लग गई थी अपनी कारीगरी दिखाने में, तो आज की मेरी कारीगरी देखना भाई, क्या रेडी करती हूँ मैं, किस तरह का क्या बनाती हूँ, वो तो भाई आप लोगों को वीडियो के लास्ट में ही पता चलेगा कि आखिर मैंने क्या रेडी कर दिया। ये पीस रखे हुए थे मेरे पास और मैंने ये कटिंग सेटिंग इसकी कर दी, कई तरह की वीडियो देखी, फिर कुछ समझ में बात नहीं आई, फिर कपड़े को एक बार इस तरह से पलटा, एक बार उस तरह से पलटा, और इसके 2-4 पीस खिंडा कर गिर दिए, और अब देखते हैं भाई क्या इसका बन के निकलेगा लास्ट में। तो कई बार तो इस तरह से फोल्ड करके बिछाया, फिर निशान लगाए, फिर दूसरी त्रिया से बिछाया, फिर सोचा बिछा कर बैठी रही
अब क्या बनाऊँ इसका, क्या करूँ आगे। तो भी सबके घर की यही कहानी है, अकेले अकेले लगे रह रहे हैं और किसे के वो क्या करें भाई। अपने सिंपल सी भाषा में कि सबके घर यही मिट्टी के चूल्हे हैं, तो आज वो मिट्टी के चूल्हे तो नहीं रहे, पर बात वही है कि सबके दूर के ढोल बड़े सुहाने लगे हैं। पर ऐसा नहीं है ये ढोल दूर बाजते सुहाने लग गया करें, पास में नहीं। तो भाई सबके घर की यही कहानी है, सबकी यही बात है, कोई अलग दुनिया में अलग तना उतर का रहा कि हाँ भाई उसके तो मजे मजे हो रहे हैं, और दूसरा इंसान जो परेशान है वो परेशानी परेशानी झेल रहा है। ना तो कोई पूर्ण रूप से सुखी है और ना ही कोई पूर्ण रूप से दुखी है। तो ये मेरी मार्किंग यहाँ पे मैंने लगानी स्टार्ट कर दी, ये पर्पल कलर का एक लाइनिंग के लिए मैंने कपड़ा यूज़ कर लिया, प्लेन कपड़ा रखा हुआ था 2 मीटर के करीब, तो वही कट कर दिया और इस तरह से बनाए ढेर सारे मैंने बॉक्स यहाँ पे। तो ये पहले तो भी चौक से निशान लगाए, अब इसके ऊपर सिलाई कर दूंगी। और ये मैंने सारे बॉक्सों के ऊपर कई वो थे जो निशान, उनके ऊपर का सिलाई लगा कर, और अब ये नीचे तक एक राउंड सा कट कर दिया है। और अब इसको भी कट करके ऊपर से थोड़ा सा 5 इंच के करीब से कट करके, और फिर मैंने कर दिया यहाँ पर जिप लगा दी, चैन लगा दी है, ये लगा दी भी चैन। और रखी थी मैंने अपनी वो पुराने वाली मशीन, क्योंकि भाई ये थोड़ा मोटा मोटा सा काम करना था और उसको भी चलाते रहेंगे तो ठीक रहेगी, पर वो बार बार मैं परेशान करने लगी, उसमें धागा डालने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसमें लाइट नहीं थी, इसमें लाइट है और अंदर रख रखी है मैंने मशीन। तो फिर ये मैंने दोबारा तो ये रख ली और कुछ इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। अभी ये एक साइड का हुआ है रेडी, एक का नहीं हुआ, तो ये दूसरा इसका पार्ट भी मेरे को लगाना है। और भी मैंने ट्राईपोड पर फ़ोन सेट करने की कई बार सोची भी कि अच्छे से दिखाई देगा और वो होगा, और मेरा ट्राईपोड मेरे फ़ोन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था, बार बार मैं पटक पटक के मार दिया फ़ोन धरती में। तो अब ये हो गया मेरा पैक रेडी, और अब शाम के 4 बज गए, पूरे 4 हो रखे, मेरा पैक कंप्लीट हो गया। भी मैंने सील दिया पूरा, ये देखो भी इस तरह का है, इतना अंधेरा अंधेरा क्यों, ये देखो भी इस तरह का पैक होगा। यहाँ पर लगा दी एक चैन छोटी सी, ज़्यादा बड़ा मुँह ना कर रखे इसका, ये छोटा सा ही है, और एक ये पॉकेट यहाँ पर होगी, और इसके अंदर भी अस्त्र लगा रखा है, जितना भी कपड़ा था सारा इसमें यूज़ हो गया, थोड़ा बहुत पड़ा होगा उसका एक आध छोटा सा पाउच बना दूंगी। और ये इस साइड में भी है, तो ये एंडल है और नीचे से ये इस तरह से कर रखा है, और लाइनिंग सी चेक सा बना रखा है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है पर अच्छा लग रहा है, पूरा कम्प्लीट होने के बाद सुंदर सा लग रहा है। अभी मार्केट में जाना है तो थोड़ा बहुत सामान लेना हो तो भी थैली उठा कर लेके जाना है। अब देखें अभी बना लिया, ये मिला टाइम पहला मिला है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही हुआ है जब मार्केट में जाना हो ना तो मिलता ही ना कोई भी थैला वगैरह, तो ऊपर सो फोन हो छोटी मोटी ऐसी चीज़ें डालनी हो तो काफ़ी बड़े बड़े बैग या फिर स्कूल वाले बैग होते हैं उस टाइप के, तो वे लेके जाने पड़े हैं। तो फिर ये मैंने ये बना लिया, अब देखेंगे अगर टाइम पर मिल जाएगा तो ठीक है, अच्छा है वैसे। पर्स किधर हो गया भाई, तो अभी इतना रख दूंगा और बना लेती हूँ चाय, चाय का टाइम हो गया है। तो अब हो गया भाई शाम का 6:30 बजे का टाइम, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे लौकी की सब्जी, घिया की सब्जी ये कट कर रखी है, और ये टमाटर कट कर रखे, और साथ में हरी मिर्ची कट कर ली, ज़्यादा कुछ नहीं डालती, बिल्कुल एकदम सिंपल सी ये सब्जी अच्छी लग रहा है। और बस इसमें नमक डालूंगी, हल्दी डालूंगी, और सिर्फ जीरे जीरे का चोक लगाऊंगी, प्याज व्याज कुछ भी नहीं डालूंगी, और लहसुन ना वो लहसुन पैकिंग सॉरी ना प्याज डालूंगी, ना लहसुन डालूंगी, ना गर्म मसाला डालूँ, ना सूखा धनिया, कोई भी चीज़ नहीं डालूँ, हरी मिर्ची नमक हल्दी और जीरे का चोक। और ये देखो भी पुदीने की चटनी बनानी थी, एक दिन में कैसी हालत होगी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और अब दिन के टाइम में लाइट नहीं देते, तो आज मैं फ्रिज को भी चलाना भूलूंगी, वैसे सोलर में चला दिया करें, पर ये सूख गया, अब ये सूख जाओगे ना तो फिर इसने सुखा कर अच्छे से और क्रश करके बचूर के, और फिर डब्बे में डालकर रखी नींबू पानी बनाओ ना तो उसमें निकाल लेगा, फिर बढ़िया हो जाए, टेस्ट अच्छा आवा, खुशबू भी अच्छी आवा। तो अब इसमें थोड़ा सा डालूंगी बिल्कुल थोड़ा सा तेल,
और भाई आप लोगों से यही प्रार्थना करती रहूँ, बार बार मैं वीडियो में लाइक करा करो, शेयर करा करो, कमेंट करके जरूर बताया करो, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है आपके कमेंट पढ़कर। और तक सभी अभी आया था भाई ट्यूशन से, और अब वो लेकर बैठा है थोड़ी देर देखेगा फोन, और उसके बाद करेगा थोड़ा बहुत अपना और पढ़ाई का अगर काम ले रखा है तो उसका। और मैं सब्जी बनाकर दूध गर्म होना रख देती हूँ, और उसके बाद में फिर कर लगा लूंगी जोत, क्योंकि बस दिन छिप लिया है, दिन छिपते ही लगा दिया है करूँ। और इस टाइम तक हो जा भी मेरी बैटरी बिल्कुल लो, क्योंकि मैं पूरा दिन रेस्ट कर, एक आध घर रेस्ट भी कर लूँ ना लेट जाऊं, और तो उस दिन तो और भी हालत वैसी हो जाए, पता ना उस दिन तक रात का उतरता है ना इतना चढ़ जावे है। और आज तो पूरा दिन वो बैग सीलन में लगा दिया, और चश्मा लगाया नहीं, और अब आंखों में हो गया अभी तरह आदमी नहीं लगा सकती, मिर्ची काट रखी है, तो बस अब उसके अंदर अंदर का इंटरलॉक और मार दूंगी, ताकि ये जो मोटा कपड़ा अभी तो वो निकला ना का। और साथ के साथ में आप रख देते हैं दूध भी गर्म होना भाई, घर में तो सच में यही काम होगा है, पर भी देख लीजिए कितने के लोग हो, क्या बनाऊंगी मैं, क्या दिखाऊं क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आता, और कितने भाई घर में मेंबर नहीं है अभी, सब आ जाऊं बस मैं दिखाई देती रहूंगी। और आज मैंने बैग बना लिया, अब दो तीन और कपड़े रखे हैं, अब देखिए अभी मैंने शुरुआत कर दी है बैग का क्या ऑर्डर लेने लग जाऊंगी, मजाक कर रही हूँ, पर बनाऊंगी दो चार, क्योंकि कपड़े वगैरह समेट कर रखने हो ना, तो वे थैली वगैरह हो हैं कम्बल वो हों इनमें वो फट जावे हैं, तो फिर इस तरह के जो थैले बनाए ना सिंपल से वो फाड़े बना दूंगी, क्योंकि भी मेरा काम है ये पसंद आवे है ये चीजें करना, मेरे को अच्छा लगता है, मेरी हॉबी है, तो इसीलिए मैं वो करूंगी। और सूटा का तो तुरपाई भी ना करी है भाई, बहुत आल का साथ तुरपाई करती है, देखूंगी अगर बाहर करवाऊंगी तो करवाऊंगी, अगर मूड बन गया तो मूड बनने के बाद तो भाई कुछ टाइम नहीं लगता। और अभी मैंने साथ ही साथ में खीरा भी छील दिया है, क्योंकि एक चबार में ये छिलके मिलके ना सारे एक बाल्टी बना रखी है ऊपर, उसमें डाल रखे है, और वो कंपोस्ट खाद जो भी कुछ हो वो बन जाओगा उसमें सड़ गई है, उसमें डाल दूंगी अब कई सारे उसके टमाटर के भी वो रखे हैं पौधे, दो तीन अलग अलग बाल्टियां में लगा दी है, देखो भाई कुछ होगा उनका या ना हो बस हरियाली हरियाली करेंगे, ये तो मना करा देखता मैं, देखे इस टाइम पर टमाटर नहीं होते, अब तो लग रहे हैं हमारे यहाँ पर सर्दी में लगाने चाहिए थे, और मेरे टमाटर हो चुके हैं सॉस में डाल देती हूँ। और आज की वीडियो को यहीं पे एंड भी कर देती हूँ, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते अगर वीडियो लाइक नहीं करी हो अब तक तो फिर दोबारा से बोल दिया है लाइक कर दो और शेयर कर दो, और बाय बाय।